के करीब 11 बज रहे थे। जून का महीना था। सूरज ढले कई घंटे बीत चुके थे, मगर जमीन जैसे अब तक आग उगल रही थी। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ये थोड़ा शांत इलाका था। ऐसे में सुनसान सड़क पर सोनल लड़खड़ाते कदमों से अकेली चली जा रही थी। उसकी दाएं तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। उसने कई बार पलकें झपकाते हुए उस बिल्डिंग को देखा, जिस पर बड़े बड़े लेटर्स में होटल ड्रीम पैलेस लिखा था। उसने अपने लड़खड़ाते कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। वैसे तो सोनल कभी ड्रिंक नहीं करती थी, मगर आज पार्टी में दोस्तों के जोर देने पर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। घर पर डांट ना पड़े, इसलिए उसकी कजन पायल ने उसे होटल में नाइट स्टे करने का सजेशन दिया था। होटल ड्रीम पैलेस, हाँ यही नाम तो बताया था पायल ने। सामने होटल को देखकर वो खुद में ही बड़बड़ाई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने पर्स से एक कार्ड निकालकर रिसेप्शनिस्ट के सामने रख दिया। उसने एक बार कार्ड की तरफ देखा और फिर उसे ऊपर जाने का इशारा किया। सोनल की आंखें बार बार नशे से बंद हो रही थी। वो किसी तरह अपनी आंखें खुली रखते हुए दीवारों का सहारा लेकर लिफ्ट तक पहुंची। सिक्स्थ फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो लॉबी की तरफ बढ़ी। सोनल अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखने की कोशिश करते हुए बोली, यही है 2606। नहीं, 2609 6 या 9। कौन सा रूम नंबर बताया था पायल ने? अरे यार, कहते हुए सोनल ने अपना सिर पकड़ लिया। सोनल ने आज पहली बार ड्रिंक की थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब बहुत याद करने पर भी वो श्योर नहीं हो पाई कि उसने इन दोनों में से किस रूम में जाना है, तो उसने अपने पर्स में से रूम कार्ड निकाल कर देखा, मगर उसे ऊपर लिखे सारे नंबर्स धुंधले नजर आ रहे थे। उसने आंखें मलकर दोबारा देखने का ट्राई किया, मगर अब की बार एक साथ दो दो नंबर्स दिखने लगे। सोनल अपना सिर पकड़कर डीप ब्रेथ लेते हुए बोली, फोकस सोना, फोकस। उसके पैर बुरी तरह डगमगा रहे थे। गिरने से बचने के लिए वो दीवार का सपोर्ट लेकर खड़ी हो गई। उसने रूम कार्ड को वहां लगे सेंसर पर प्रेस किया। बीप की आवाज आई, मगर डोर नहीं खुला। उसने एक बार, दो बार, बार बार ट्राई किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। अब तक उसे गुस्सा आने लगा था। इरिटेट होकर उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा तो नहीं खुला, मगर उसके हाथ में चोट जरूर लगी। सोनल अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को देखते हुए खुद से ही बोली, लगता है गलत रूम में आ गई हूँ मैं, दूसरे रूम पर ट्राई करती हूँ। सोनल जैसे ही पीछे मुड़ी, उस कमरे का डोर खुल गया। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में काफी अंधेरा था। सोनल भले ही होश में नहीं थी, मगर फिर भी उसे अंदाजा हो गया था कि ये कोई आदमी है। वो जो कोई भी था, उसने सोनल को संभालने या शोर मचाने का मौका नहीं दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा दिया। सोनल ने छूटने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। तुम अब तक यहाँ से गई नहीं? उसने सोनल के करीब आते हुए पूछा, मगर सोनल को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। पायल ने उससे कहा था कि होटल के रूम में एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है, तो क्या वापस नमम लौट आया है? नमम के साथ सोनल की सगाई बचपन में ही उसके माँ बाप ने कर दी थी। एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद उसने नमम को ही अपनी दुनिया मान लिया था। उसका मंगेतर होने के नाते नमम ने कई बार उसके करीब आने की भी कोशिश की थी, मगर हर बार सोनल ने उसे ये कहकर मना लिया था कि वो शादी से पहले इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आज अचानक क्या हुआ है नमम को?
उसने उस आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलने की कोशिश की। मामा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का, उसने सोनल के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए हल्के से कहा। शराब का एक तेज भपका सोनल को अपने चेहरे पर फील हुआ। साफ जाहिर था ये जो कोई भी था उसने सोनल से भी कहीं ज्यादा पी रखी थी। वो इस वक्त सोनल के इतने करीब था कि वो उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर साफ साफ फील कर पा रही थी। इसके साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। लेकिन देखो, तुम फिर से वापस लौट कर आ गए हो मेरे पास। अब तो अगर तुम खुद भी मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सोनल उसकी पकड़ से छूटने के लिए जोर लगाने लगी, मगर उसने अपने हाथ उसके सिर के पीछे ले जाते हुए उसे कस कर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपने होठों में दबाकर उसे किस करने लगा। सोनल का दम घुटने लगा था। रेजिस्ट करने की कोशिश में वो उसकी पीठ और हाथ पर लगातार अपने हाथ और नाखूनों से मारने लगी थी, मगर उसके ऊपर इन सब का कोई असर नहीं हुआ, ना ही उसने सोनल को छोड़ा। वो एक पल को रुका और उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए पूछा, तुम भी यही चाहती थी ना? सोनल तो जैसे अभी शॉक में ही थी, उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला। नवम हमेशा उसके साथ अच्छे से ही पेश आता था, लाइक अ जेंटलमैन। आज न जाने उसे क्या हो गया था। सोनल की चुप्पी को हाँ समझकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने साथ बेड पर ले गया। उसने उसे जबरदस्ती लेटा दिया। सोनल जब उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए पीछे धकेलने लगी तो उसने एक बार फिर उसके हाथों को कसकर बेड से लगा दिया। कमरे में रोशनी ना के बराबर थी, इस वजह से सोनल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ इस बेड पर जो शख्स है वो नमम नहीं कोई और है। नमम हमेशा उसके साथ नरमी से पेश आता था, मगर आज उसका बिहेवियर हमेशा से बिल्कुल अलग था। नशे में वो उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रहा था। तुम गलतियां करती रही, फिर भी मैंने तुम्हें हर बार माफ किया। तुम्हें बार बार मौका देता रहा और तुम हर बार बस मुझे छोड़ कर चली गई, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, उसने सोनल का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर सोनल को महसूस हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने टॉय को खोने से डरता है। उसने धीरे से एक बार फिर सोनल के होठों पर किस किया। उसकी बात सुनकर सोनल का दिल पिघलने लगा था। उसने भी धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। सोनल नमम से बेहद प्यार करती थी। जिस दिन से उसका रिश्ता नमम के साथ तय हुआ था, उसके बाद से उसने अपने दिल में कभी किसी और का ख्याल तक नहीं आने दिया था। बस उसने शादी से पहले ये सब कभी नहीं चाहा था। अपनी वैल्यूज को उसने अपनी मोहब्बत से ऊपर रखा था, मगर आज वो टूटती नजर आ रही थी। सोनल की बात सुनकर जैसे उसके दिल को एक सुकून मिल गया था, उसने उसे खींच कर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से बोला, आज के बाद मुझे कभी छोड़कर जा भी नहीं पाओगी, I promise। बाहर शायद बारिश शुरू हो गई थी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे हल्की हवाओं की झोंकों के साथ बारिश की हल्की बूंदें भी अंदर आ रही थी। एक एक कर फ्लोर पर दोनों के कपड़े बिखरने लगे थे। सोनल पर अब धीरे धीरे शराब का नशा हावी होने लगा था। वो होश में भले नहीं थी, मगर फिर भी अपनी पूरी बॉडी पर उसके टच को वो साफ साफ फील कर पा रही थी। सोनल कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। ओह माय गॉड, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
उसने अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर अपने सामने बैठी लड़की पर एक नजर डाली। सिद्धार्थ ने एक बार उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या 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 हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम?